जी, मेरे दोनों बेटे को फोन करके बोल दीजिए, हमारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। सावित्री तुम फिक्र मत करो, मैं दोनों बेटों को फोन करके बोल दिया, वो दोनों बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाली है। ठीक है जी, मेरी सांसें शायद इसीलिए रुकी है, मेरी बेटे अब बहू का इंतजार कर रही है। नहीं सावित्री नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, बेटे आएंगे और तुम्हारी सेवा करने के लिए अपना कल्लू है ना। हाँ माँ जी, मैं हूँ ना आपकी सेवा करने के लिए, मैं भी आपकी बेटी जैसा हूँ। अरे नहीं कल्लू बेटा, तू बेटे जैसा नहीं है, तू बेटे से बढ़ के है। क्या हुआ बाबूजी? अब क्या बताऊँ कल्लू, मैं सावित्री को कैसे समझाऊँ कि जब फोन करता हूँ बेटे लोगों को तो बेटे लोग बोलते हैं छुट्टी नहीं मिल रही है और मेरे पास समय नहीं है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है इसे कैसे समझाऊँ मैं। बाबूजी आप भाभी को फोन करके बोलिए ना कि भैया को समझा दे। ठीक है कल्लू, तू बोलता है ना तो मैं बहू को फोन कर लेता हूँ, वैसे मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा होने वाला है। हेलो बेटा रश्मि, मैं पापा गांव से बोल रहा हूँ। ठीक है बोलिए, फोन क्यों किया? बेटा तुम्हारी मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। ओ, तो हम लोग क्या करें? हम लोग नहीं आ सकते, सॉरी हम लोग अमेरिका में हैं। हम लोग कोई दिल्ली मुंबई में नहीं है कि बैंक उठाए और चल दिए। सो आई एम वेरी बिजी इन माय लाइफ, डोंट डिस्टर्ब मी। सुनो कल्लू, मैं तुझसे कह रहा था ना कि फोन करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। पापा का फोन आया था, हम तीनों को घर बुला रहे हैं। मैं तो नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलेगी। मेरे पास भी पापा का फोन आया था, बुला रहे हैं, बोल रहे हैं तीनों आओ, मम्मी की तबीयत खराब है। रश्मि तुम्हारा क्या विचार है? मेरा क्या विचार हो सकता है, तुम्हें नहीं पता मैं गाँव में नहीं रह सकती हूँ। तुम्हें पता है ना इस वक्त कार लेना है और हमारे पास भी तो खर्चे हैं, और वैसे भी मम्मी को देखने के लिए पापा है ना, उनका भी तो कर्तव्य बनता है अपनी पत्नी को देखे। तो सॉरी यार मैं नहीं जा सकती। हाँ दीपक भैया, भाभी तो बिल्कुल ठीक कह रही है, और पापा का लाडला कल्लू वो किस दिन काम आएगा? पानी 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 लीजिए माजी। अरे बापू जी कहाँ है, उन्हें जल्दी बुलाओ, मुझे लगता है मेरे पास टाइम बहुत कम है। माँ जी अब आराम कीजिए, मैं बापूजी के ब्लॉक लेके आ रहा हूँ। बाबूजी, ओ बाबूजी, बाबूजी माँ जी को बुला रही है, माँ जी तबीयत बहुत खराब है। अच्छा चल चल देखते हैं, चल। सावित्री सावित्री देखो मैं आ गया। एल जी अपने यहाँ देखते देखते मैं थक गई, वो लोग नहीं आए, अब मेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। आपका साथ 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 इतना ही दिन था, आप अपना ख्याल रखना। नहीं सावित्री, मुझे तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेटा कल्लू आप अपने बाबूजी का ध्यान रखना। सावित्री सावित्री नहीं, सावित्री नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ए कल्लू देख, आज मैं अनाथ हो गया, आज मेरी किस्मत मुझसे रूठ गई, और दो दो बेटे की मां बाज हो गई। उठिए बाबूजी, उठिए, चलिए जो भगवान मंजूर था ना हो गया, चलिए माँ जी के अंदर संस्कार तैयारी कीजिए। मेरे बच्चे बड़े होकर डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे जानते हैं, और बड़े होकर मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। यूवी पापा का गोल करो, चलो फटाफट चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, चलो आ जाओ, पापा टाटा बाय बाय बोलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। बाबूजी बाबूजी क्या सोच रहे हैं? क्या सोचूं कल्लू, मैं यही सोच रहा था कि तेरी माँ का सपना उसी के बच्चों ने तोड़ दिया।
अरे बाबूजी ज्यादा सोचा मत कीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों ज्यादा देखो दीपक, माँ तो चली गई इस दुनिया से, पापा अकेले बचे। एक काम करो, हम लोग चलते हैं गांव, पापा को समझा कर उनकी सारी प्रॉपर्टी भिजवा देंगे और फिर अपनी खुद की हॉस्पिटल डालेंगे, हम लोग बड़े लोग हो जाएंगे। पर क्या पापा हमारे जाने से प्रॉपर्टी में बेच देंगे? सर क्यों नहीं बेचेंगे, अरे हाँ दीपक भैया, भाभी ठीक ही तो बोल रही है, गांव चलकर हम लोग अच्छे से पापा को समझाएंगे, भला हम लोगों की बात वो कैसे टाल सकते हैं। और पापा को साथ लेकर आएंगे, किसी कोने में पड़े रहेंगे कि रूप ले देंगे, और हमें नौकर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ अगर ये बात है तो कल आप लोग चले जाओ। और भाभी जी देखे ना, गांव पहले से कितना बदल चुका है। घर में एसी वैसी लगी हुई थी नहीं? अरे भाभी जी टेंशन मत लीजिएगा, एसी नहीं भी लगा रहेगा तो हम लगवा देंगे। अरे कल्लू जरा देख दरवाजे कौन खटखटा रहा है। जी बाबू। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। अरे दादी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? अरे भाभी बाबूजी के पैर छुए पैर। ओ देवर जी, पैर छूना पड़ेगा क्या? तो गांव का संस्कार, संस्कार इसे कहते हैं। अरे बेटा तुम्हारे मम्मी डैडी तो मूल निवासी हिंदुस्तान के थे, वो संस्कार नहीं दिए तुम्हें? बहुत अच्छा संस्कार दिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे। वो तो दिख ही रहा है कितना अच्छा संस्कार तुम्हारे अंदर है। और बाबूजी आपका तबीयत कैसा है? मैं ठीक हूँ। अरे हाँ दीपक कहाँ है? क्या हुआ ना बाबूजी, भैया को छुट्टी नहीं मिली। ओ तुमसे बड़ा था, उतनी ना खुशी तब नहीं हुई थी जब वो पैदा हुआ था, आज उससे कितना ज्यादा दुख हुआ मुझे कि वो नहीं आया, ये जानते हुए भी कि माँ इस दुनिया से चली गई। वाह रे मेरे बेटो। पापा हम लोगों ने तब से बहुत कोशिश किए थे आने के लिए, लेकिन छुट्टी ही नहीं मिली, और जब छुट्टी हुई तो आपके पास चले आए। बहुत बड़ा उपकार कर दिए तुम दोनों आके मेरे पास। और पापा हम लोग सोच रहे थे ना कि वैसे माँ तो अब रही नहीं, तो आप इस गांव में अकेले कैसे रहेंगे, आप भी हम लोगों के साथ अमेरिका में चलिए। मैं अपने दादा बाबा की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़कर तुम लोगों के साथ अमेरिका चलूं? हरगिज नहीं। मैं पापा कहने वाला था कि आपके बाद इस सारी प्रॉपर्टी के मालिक हम दोनों भाई हो जाएंगे, और अमेरिका छोड़कर तो गांव में नहीं रहेंगे ना पापा। अच्छा विचार है, तो तुम लोग कहना क्या चाहते हो? ओ डैडी हम लोग चाहते हैं यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी बेच दिया जाए और आप हम लोगों के साथ यूएस चले। वैसे भी यहाँ पे गाँव में रखा ही क्या है, वहाँ पे तो ऐसी जिंदगी है। तुम्हें क्या पता इस खेत खलिहान से हमें क्या मिला? अरे नालायक बेटे, तुझे तो पता है ना, अनाज के रूप में इस खेत से सोना निकला। पढ़ा लिखा के तुम लोगों को मैं इससे डॉक्टर और इंजीनियर बनाया, और तुम पूछते हो कि इस खेत खलिहान से क्या मिला? अरे इस खेत से हमको सरसों का साग और मक्के की रोटी मिलती है। हम सब इससे अपना जीवन यापन करते हैं, और तुम लोग पूछते हो कि खेत खलिहान से क्या है? पापा हम लोगों के अलावा आपका है ही कौन? तुम लोगों के अलावा मेरा बेटा ये कल्लू है। और तुम फैसला सुनना चाहते हो मेरा? जिस दिन तुम्हारी माँ राह देखते देखते इस दुनिया से चल गई, उस दिन तुम लोग हमारे लिए मर गए, और आज से हमारा बेटा ये कल्लू है। चुप, एकदम बिल्कुल चुप। तुम लोग हमारा फैसला सुनना चाहते हो ना, तो सुन लो, मैं अपनी प्रॉपर्टी से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, और अपनी सारी प्रॉपर्टी कल्लू के नाम लिखूंगा। तो ठीक है पापा, हम लोग जा रहे हैं। हाँ जाओ, जा तुम लोग जा। और हाँ जाते जाते एक बात सुन लो कि मैं अपना अंतिम हक वो भी तुम लोगों से छीनता हूँ। अगर मैं मर जाऊंगा तो मुझे मुखाग्नि ये मेरा बेटा कल्लू देगा, तुम लोग नहीं। जाओ, चले जाओ। चलो भैया।
अरे बाबूजी रुक लीजिए, बाबूजी रुक लीजिए, बाबी रुक लीजिए। चल जा रहे हैं, जाने दे। और हाँ, वकील साहब को फोन करके बुला लेना, कल के कल मैं वरासत नामा दर्ज कराऊंगा तेरे नाम। मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी का मालिक तू हो। और ये लोग जाते हैं, जाने दे। चल